अक्षर के नाम की। अद्भुत है महिमा दो अक्षर के नाम की। सुनो राम कथा और जय बोलो श्री राम की। सुनो राम कथा और जय बोलो श्री राम की। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। है सुफल गायनी रामायण सुख धाम की। कहते हैं जब मनुष्य का अंतिम समय आता है तो वो केवल सत्य बोलता है। मैंने पाप किया है कुशल, और मुझे उसका श्राप मिला है कि मेरी मृत्यु पुत्र वियोग में होगी। यह उस समय की बात है कौशल्या, जब हमारा विवाह नहीं हुआ था, तब मैं अयोध्या का युवराज था, लक्ष्यभेदी और शब्दभेदी धनुर्धर, यह मेरी ख्याति थी। मैं केवल ध्वनि सुनकर ध्वनि करने वाले लक्ष्य का भेदन कर सकता था। उस रात्रि के अवसर पर मैं शिकार करने सरयू नदी के किनारे गया था। किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी को दुख दर्द नहीं दिया, फिर बाहर मुझे किसी ने क्यों मारा? ये क्या कर रहे हो तुम? मैं ये बाहर निकालना चाहता हूँ ताकि तुम्हें वेदना ना हो। अगर तुम ये बाहर निकालोगे तो मेरे प्राण भी निकल जाएंगे। कौन हो तुम? तुम्हारा अपराधी हूँ जिसने तुम्हें जानवर समझकर बाण चला दिया। परंतु तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें तत्काल अयोध्या नगरी ले जाकर अपने राजवैद्य से तुम्हारी चिकित्सा करवा दूंगा। राजवैद्य? हाँ, मैं अयोध्या के महाराज अज का पुत्र युवराज दशरथ अर्थात रघुवंशी हो, और एक रघुवंशी होकर तुमने मेरा प्राण पे बाण चलाया है।
तुमने मेरी ही नहीं बल्कि मेरे माता पिता, मेरे अन्य माता पिता की भी हत्या की है। उनका मैं एकमात्र सहारा हूँ और तुम्हारे इस बाण ने उनका वो सहारा भी छीन लिया। युवराज मुझे क्षमा कर दो ऋषि कुमार। मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा लेकिन तुम्हें तुम्हें मेरे माता पिता का सहारा बनना होगा। मैं बनूंगा उनका सहारा। वचन दो मुझे। ये रघुवंशी दशरथ का वचन। मैं अपने अंधे माता पिता के लिए पानी लेने आया था। वो दोनों मेरी राह देख रहे होंगे। युवराज तुम्हें पानी लेकर जाओ और उनकी प्यास बुझा ला। हाँ, हाँ। और क्षमा मांग कर उनका सहारा बनना। हाँ, हाँ। उन्हें उन्हें उनके श्रवण की कमी कभी महसूस मत होने देना। तुम करोगे ना युवराज जी? हाँ, ऋषि कुमार मैं तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूरी करूंगा, अवश्य पूरी करूंगा। ऋषि कुमार श्री राम। श्रवण अभी तक लौटा नहीं। हाँ बहुत प्यास लग रही है। आ गए पुत्र। हमारे कारण तुम्हें बहुत कष्ट होता है ना? तुम्हें आने में तनिक देरी हुई तो हम भयभीत हो गए थे पुत्र। पानी लाए हो? तुम्हारी माँ को बहुत प्यास लगी है। तुम बोलते क्यों नहीं? हमसे रूठ गए हो क्या? तुम्हारा रूठना भी उचित है पुत्र, क्योंकि हम तुम्हें बहुत कष्ट देते हैं ना। नहीं नहीं मां। तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? तुम हमारे श्रवण नहीं हो। कौन हो तुम? हमारा श्रवण कहां है हमारा लाडला? पहले आप पानी पी लीजिए। श्रवण ने ही आपके लिए पानी भेजा है। पहले तुम ये बताओ कि तुम हो कौन और हमारा श्रवण कहाँ है? आपका श्रवण अब नहीं आएगा मान्यवर। नहीं आएगा? कहाँ गया वो? ऐसे कैसे चला जाएगा? अरे वो हमारी आज्ञा के बगैर कोई कार्य नहीं करता। वो एक पल भी हमसे दूर नहीं रह सकता और तुम कह रहे हो चला गया वो। झूठ बोलते हो तुम, झूठ बोलते हो। हम रघुवंशी कभी झूठ नहीं बोलते माँ जी। रघुवंशी जी, मैं अयोध्या नरेश अज का पुत्र युवराज दशरथ हूँ। तो फिर तुम झूठ नहीं बोलते तो सत्य क्या है युवराज दशरथ? मैं मृग्या खेलने आया था। अंधेरे में मैंने शब्द भेदी विद्या का प्रयोग करके जानवर समझकर बाण चलाया और आपका श्रवण। हमारा श्रवण ठीक तो है ना? वो घायल तो नहीं हुआ ना? तुम बोलते क्यों नहीं हो राज?
अंधे माता पिता को उनके पुत्र के लिए तड़पाना क्या तुम्हें शोभा देता है? मुझे क्षमा कीजिए। तुम श्रवण के बारे में बताते क्यों नहीं कुछ? कहाँ है मेरा पुत्र? कहाँ है मेरा श्रवण? कहाँ है? आपका श्रवण अब जीवित नहीं है। मेरे बाण ने उसके प्राण हर लिए। वो सदा हमें सुख देना चाहता था, मेरी गोद में सर रख के सोता था वो, और आज मेरी गोद में सर रख के बिना ही सदा के लिए सो गया वो। मुझे जाना होगा श्रवण के पिताजी, मुझे अपने श्रवण के पास जाना होगा, उसके सर को अपनी गोद में रख के उसे लोरी सुना के सुलाना होगा। मुझे आज्ञा दीजिए श्रवण के पिताजी, मुझे आप आज्ञा। श्रवण की माँ, श्रवण की माँ, दुष्ट दुराचारी, तुम्हारे एक बाण ने मेरे दो प्रिय जनों की हत्या की है। श्रवण और श्रवण की माँ दोनों मेरे प्राण थे, जब प्राण ही चले गए तो इस शरीर का क्या उपयोग है? मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें तुम्हारे पापों का दंड देना चाहता हूं। दशरथ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। जिस तरह पुत्र वियोग में मेरी पत्नी मर गई, जिस तरह पुत्र वियोग में तड़पते हुए मैं मर रहा हूं, उसी तरह तुम अपने पुत्र वियोग में तड़प तड़प के प्राण, तड़प के प्राण। कौशल्या, पहली बार किसी का शाप निष्फल हुआ। कौशल्या, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। कौशल्या, बहुत भाग्यशाली हूँ मैं। आप ऐसा क्यों कह रहे महाराज? मैं नृप हूँ, आराम माए लगन लगी बस राम की। नृप हूँ, आराम माए लगन लगी बस राम की। बनी अंतिम सांसें माला राम के नाम की। बनी अंतिम श्री राम का रूप निहारे, केवल राम ही राम पुकारे। बड़ी सुखद शांतिमय घड़ियां पूर्ण विराम की। बनी अंतिम सांसें माला राम के नाम की। राम राम कहे, राम कहे जपत राम को नाम। नश्वर तन तजी अवधपति वे राम के धाम। जय श्री राम, जय जय श्री राम।
जय श्री राम। लक्ष्मण भैया, आप नींद नहीं आ रही है क्या? लक्ष्मण, ऐसा लग रहा है जैसे पिताजी ने मुझे पुकारा है। भैया, हम मिलकर प्रार्थना करते हैं कि पिताजी सकुशल रहे। महारानी, महारानी आपके लिए भेंट। भेंट? प्रणाम राजमाता। राजमाता, किसने भेजी है ये भेंट? मैंने। भेंट अच्छी लगी राजमाता कहके? महारानी सर्वप्रथम महाराज दशरथ की पत्नी, उसके बाद भरत की माँ। महाराज की पत्नी थी मंथरा, अब ये महाराज की पत्नी नहीं है, केवल भरत की माँ है। इसलिए होने वाली राजमाता है। कदाचित आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है महारानी सुमित्रा। पैरों की जूती पैरों में रखी जाती है, उसे सिर पे नहीं उठाया जाता। यह हम अच्छी तरह से जानते हैं मित्रा। सुमित्रा, परंतु राजमाता कहके ये नहीं जानते, इसीलिए राजमाता कहके ने पैरों के जूते अपने सर पे उठा लिए और परिणाम सूर्य वंश का सूर्य अस्त हो गया। हमारे महाराज दशरथ का देहांत हो गया। और इसलिए अब से तुम महारानी नहीं और मैं भी नहीं, हम तीनों विधवा हो गए। सुना
तुमने कहीं कहीं आगे ना मेरे आगे ना मेरे आगे इस मंत्रा के वश में आकर तुमने हम सबको और अपने आप को विधवा बना लिया है। अब तुम राजमाता बनोगे कहके, इसलिए सबसे पहले मैंने तुम्हें ये भेज दी। ये रहे राजमाता के वस्त्र, लो कहके लो इसे पहनो। सत्ता, राज सिंहासन, वैभव, ऐश्वर्य इन्हें पाने के लिए ही इस मंत्रा की कुटीर बुद्धि का तुमने आश्रय लिया ना। महाराज दशरथ, मेरा राम, सीता, लक्ष्मण, इन सबसे भी अधिक महत्वपूर्ण तुम्हें यह मंत्रा लिख दिया ना, तो लोग है गई हाथ से, अभी से यह अयोध्या तुम्हारी हो गई। पापी नहीं, अब अपने सारे मनोरथ पूरे कर लो। महाराज दशरथ की जो तुमने हत्या की, इस अयोध्या के राज सिंहासन को कलंकित कर दिया। अब इसी राज सिंहासन पे भरत को बिठा के वैभव और ऐश्वर्य का भरपूर लाभ उठाओ कह कही, भरपूर लाभ उठाओ राज माता कह कही। Ha 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 ha